203 सेकंड की क्रैंकिंग में या 5 सेकंड की क्रैंकिंग में गाड़ी चालू न हो, टाटा एस गोल्ड VS6 की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें फॉल्ट कोड ये जनरेट हो, P0335 P0335-1F क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट इंस्ट्रूमेंट, इस तरीके का फॉल्ट कोड आने पे दोस्तों अब क्या क्या पॉइंट चेक करेंगे और क्या करेंगे, आज मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहे। सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए, इसमें 5 केस बनेंगे टोटल। पहला है वायरिंग हार्नेस प्रॉब्लम, दूसरा सेंसर डैमेज, तीसरा एग्जीक्यूटिव ग्रूव बिटवीन सेंसर एंड फ्लाईव्हील, मतलब कि सेंसर और फ्लाईव्हील के बीच में ज़्यादा गैप हो गया, और उसके बाद चौथा क्या है इनकरेक्ट फ्लाईव्हील यूज, फिर पांचवा सेंसर रबरिंग ऑन द फ्लाईव्हील। इस तरीके से दोस्तों 5 केस बन पाएंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या पॉइंट आप चेक करेंगे। दोस्तों सबसे पहला चेक पॉइंट क्या है, चेक द वेदर कनेक्टर एंड क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर कनेक्ट प्रॉपरली। चेक करेंगे हम क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का कनेक्टर कनेक्ट हुआ है कि नहीं ठीक से, या फिर वो निकला हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों चेक फॉर कॉन्टीन्यूटी बिटवीन सेंसर टू कनेक्ट ईसीयू पिन। ये दोस्तों बोल रहे हैं ईसीयू के पिन से कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए, जैसे तार कहीं से ब्रेक तो नहीं है। ईसीयू के पिन से कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए ईसीयू कौन से पिन नंबर से आ रहा है, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अब उसके बाद दोस्तों तीसरा चेक पॉइंट है, चेक द ग्रूव बिटवीन क्रैंक सेंसर एंड फ्लाईव्हील सरफेस। अब चेक करेंगे फ्लाईव्हील सरफेस से ज़्यादा गैप तो नहीं हो गया है, जो सेंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसे फ्लाईव्हील सेंसर भी बोलते हैं, TDC सेंसर बोलते हैं। और उसके बाद चौथा चेक पॉइंट है, चेक कनेक्टेड फ्लाईव्हील इज फिटेड, जो फ्लाईव्हील में फिट है वो चेक करेंगे ठीक से फिट हुआ है कि नहीं फिट हुआ है, चौथे पॉइंट में चेक करने के लिए बोल रहे हैं। और जो पांचवा है चेंज सर इफ प्रॉब्लम स्टिल, चौथे पॉइंट अरे पांचवे पॉइंट में बोल रहे हैं दोस्तों सेंसर ही चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। और दोस्तों आपको ये 4 पॉइंट सही मिलते हैं, तो 5वें पॉइंट में आप सेंसर चेंज करके देख लेंगे। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं ये कौन से पिन नंबर से आता है, क्रैंक सेंसर कहाँ लगा था, ये सब मैं आपको भी दिखा देता हूँ। क्रैंक सेंसर दोस्तों फ्लाईव्हील पे लगा होता है, जो ड्राइवर वाली सीट होती है वो सीट अगर जैसे आप उठाएंगे देखेंगे जस्ट आपको फ्लाईव्हील पे दिख जाएगा, गियर बॉक्स और के बीच पहले लगा होता है। दोस्तों क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का जो कपलर होता है वो 2 पिन का होता है, और उसके बाद ये जो पहला नंबर पिन है वो ECU के A नंबर पिन के 15 नंबर पिन से आता है। ECU में 2 कपलर होते हैं, एक A और एक K, जो ड्राइवर की तरफ होता है वो A, जो को ड्राइवर की तरफ होता है वो K। और उसके बाद दोस्तों 1 नंबर पिन ECU के पिन नंबर 16 से आता है, और जो 2 नंबर है वो ECU के पिन नंबर सॉरी 1 नंबर 15 पिन से आता है, 2 नंबर 16 नंबर पिन से आता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं 15 16 1 2। और उसके बाद दोस्तों ये क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर आप ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपको सेंसर भी पहचानने में आसानी होगी। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को भी लाइक करें, और हमारे नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए ये बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं अमित उपाध्याय और आप देख रहे हैं AS ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल।